भागलपुर पूर्वी बिहार का सिरमौर जो विश्व में अपने अद्भुत रेशम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कृषि जैसे चावल और चीनी सैकड़ों साल से भी पुराना सिल्क उद्योग। यहाँ बोलचाल की भाषा अंगिका है जो विश्व की सबसे पुरानी भाषा है जो आज भी जीवित है। महानदी गंगा के दक्षिणी तट पर बसा भागलपुर पटना से 220 किलोमीटर पूर्व में और जिसके 410 किलोमीटर उत्तर में कलकत्ता है। भागलपुर रेल और रोड मार्ग से सुव्यवस्थित रूप से जुड़ा है। यह जिला काफी समृद्ध रहा, लेकिन आधुनिक युग की चाल ने इसकी गति मशीनों के प्रयोग के कारण धीमी कर दी, लेकिन आज भी यह क्षेत्र विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ स्वश्रयी महिला सेवा संघ ने अपनी नींव सन 1982 में एक सिलाई करने वाली श्रमजीवी सदस्य के साथ रखी। आज यहाँ श्रमजीवी महिलाओं की सदस्यता बढ़कर 22,000 हो गई है। भागलपुर में 51 वार्ड हैं, जिनमें लगभग 20 वार्ड में सेवा असंगठित क्षेत्र की गरीब श्रमिक बहनों के साथ उनके हितों के लिए काम कर रही है। सेवा भागलपुर में अपनी नींव रखने का उद्देश्य स्वश्रयी महिलाओं को निरंतर रोजगारी करना और उनसे संबंधित कार्यक्रम सकारात्मक प्रयास करना सेवा का उद्देश्य रहा है। यह सभी प्रयास सरकार की योजनाओं से जोड़ने और उनके लिए हितकारी योजनाएं बनाने के लिए किए जाते हैं। इस प्रयास से समाज की मुख्यधारा से श्रमजीवी महिलाओं को जोड़ा जाता है जो अपना आज और आने वाला कल संवार सके। रेशम उद्योग पर जब मशीन उद्योग का जोर पड़ा तो रेशम हैंडलूम उद्योग को बड़ा झटका लगा और इससे जुड़े परिवारों के रोजगार पर भी बुरा असर हुआ। तब सेवा भागलपुर ने कुछ परिवारों के साथ मिलकर इसे बचाने का सार्थक प्रयास किया। सेवा भागलपुर के इस प्रयास से रेशम बुनकर परिवारों को बिचौलियों की मनमानी से राहत मिली और आय भी दोगुनी हो गयी। इन बुनकर परिवारों को संगठित कर एक कोऑपरेटिव का गठन किया गया जिसमें बुनकरों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया गया। 16 नवंबर 2006 से यहाँ काम कर रही हूँ। सिल्क का काम जो शुरुआत होती थी तो सारा डिजाइन और बजट सेवा भारत से आता था, और उसके बाद यहाँ से हम लोग सिर्फ काम देखते थे। सारे बुनकरों को जितना धागा खरीद के देना है, रंगाई कराना है, उसका जो है डिजाइन बनवा के फिर उसका हिसाब रखते थे कि कितना सामान मेरा बना, उसमें कितनी धागा की खपत हुई, कितना धागा वेस्टेज गया और कितना मेरा माल हुआ और क्या उसमें रेट पड़ा। सारे का रेट निकालने के बाद दाम का पता चल गया, उसके बाद हम लोग सारा माल सेवा भारत भेज देते थे और उसका दाम निकाल के भी। इसी तरह से काम होता रहा, लेकिन इस बीच सोच हुई कि कोऑपरेटिव बना ली जाए। ये हमारी संजय भाई की सोच थी। कोऑपरेटिव बनाने के लिए हम लोग पहले सिर्फ पुरैनी को ही लिए, तो जगदीशपुर ब्लॉक में पुरैनी के हम लोग 41 बहन को लिए, तो बाद में पता चला कि नहीं, 51 बहन से कम नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग 10 बहन को और समझा बुझा के जोड़े, 51 बहन करके कोऑपरेटिव के लिए जब यहाँ कागज़ जमा करने कोऑपरेटिव ऑफिस आए तो बोले ये जिला स्तरीय नहीं हो सकती, ये प्रखंड स्तरीय हो सकती है, क्योंकि सिर्फ आप लोगों ने एक ही ब्लॉक को लिया है। तब फिर हम लोगों ने और ब्लॉक को जोड़ा, जैसे कि सबौर, गोराडी और नाथपुर, चार ब्लॉक हो गए तत्काल। तो हमारी 59 बहनों का एक कोऑपरेटिव बना। इसके बाद फिर हम लोग अपने बुनकर बहनें बढ़ाते बढ़ाते अभी हम लोग की 100 बुनकर बहनें हैं। फरवरी 2010 को हमारी कोऑपरेटिव तैयार हो गई। कोऑपरेटिव के माध्यम से काम हो रही है, लेकिन हमारे कोऑपरेटिव के पास अभी अपनी पूंजी नहीं है, इसलिए पूंजी की व्यवस्था सेवा भारत ही करती है। और कोऑपरेटिव के जो ही अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष जो हैं, उनके खाते में पैसा जाता है और उससे निकल के सारा काम अभी हो रहा है। अभी हमारे यहाँ जो है अभी तत्काल 219 पीस साड़ी बनी है,
200 मीटर का थान बना है कॉपरेटिव बनने के बाद, इसके पहले तो डायरेक्ट हो रहा था, और 200 पीस स्टॉल बना है, फिर अभी जो है 200 पीस साड़ी का ऑर्डर है, 8 थान के ऑर्डर है और 100 पीस स्टॉल के ऑर्डर दे के यसी बहन गई हुई है। अभी फिलहाल इसी तरह से काम चल रहा है। फ्यूचर प्लान है कि जब हमारे कॉपरेटिव को अपनी पूंजी हो जाएगी, जैसे कि अभी जो माल बन रहा है और ये माल बना के जब हम लोग सेवा भारत भेज रहे हैं, तो माल में जितना कॉस्ट हमारा पड़ता है, उस कॉस्ट के बाद उससे जितना अधिक में वो बिक्री होगी तो सारा मुनाफा ही भेज देंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमारा जब मुनाफा होकर एक कॉपरेटिव की पूंजी बन जाएगी, तो फिर ये यही का पैसा से यहाँ का काम होगा, तब सेवा भारत उसके लिए पैसा नहीं देंगे। और फिर यहीं के बुनकर भाई को भी मार्केटिंग में लगाया जाएगा, एग्जीबिशन में तो जाते ही हैं, और यहीं की देखरेख से फिर कॉपरेटिव होगी माल, लेकिन हम लोग हमेशा सेवा भारत को ही देंगे। इस कॉपरेटिव का उद्देश्य बुनकरों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना भी था। बुनकरों को रेशम व्यवसाय की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सेवा के फेडरेशन सेवा भारत ने हमेशा ही तत्परता दिखाई। सेवा भारत से मार्गदर्शन पाकर बुनकरों को संगठित कर सेवा भागलपुर ने साल 2010 में सेवा सहेली महिला बुनकर स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड भागलपुर का गठन किया, जिसमें लगभग 60 बुनकर सदस्य हैं। इस कोऑपरेटिव का उद्देश्य बाजार और व्यवसाय की दृष्टि से हथकरघा रेशम का उत्पाद तैयार करवाना है। भांति भांति के तैयार रेशम के इन उत्पादों को सेवा भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ता है। करके काम करते हैं और हम लोग महाजन के यहाँ से लाते हैं उससे, तो सब मिल करके काम करते हैं। थान चलता था और जो है उसी में हम लोग पड़े रहते हैं और रोजगार में हम लोग को प्रॉफिट नहीं होता है। सेवा सहेली महिला बुनकर से हम लोग जुड़े हैं साल भर से, तो महाजन के यहाँ से इसमें कुछ प्रॉफिट होता है, उसमें नहीं प्रॉफिट कि बच्चे लोग को पढ़ा भी नहीं सकते हैं, खा भी नहीं सकते ठीक ढंग से, और ये भी जुटे हैं ठीक ढंग से चल रहा भी है। ये कि अभी उतना काम नहीं आ रहा है, जैसे कि उसमें 350 होता है, इसमें 500 हम लोग को साड़ी में होता है। इसमें गांव से भी ऑर्डर जाता है, वो लोग बाहर से ऑर्डर लाता है और कारीगर को लोग देता है कि ये सैंपल बना करके हमको दो, बाहर भेजेंगे। कपड़ोटे में भी वहाँ से ऑर्डर मिलता है, यहाँ खाली भाई जो है इसमें रंग सप्लाई जो करता है तो उसमें रंग मिला करके सैंपल देता है, सैंपल बना करके उसमें सप्लाई भी होता है। जो 500 होता है वो बना करके यहाँ साड़ी ले जा करके यो बेचता है। बुनकर समुदाय को समय समय पर प्रशिक्षित भी किया जाता है ताकि वे बाजार की चाल को समझ सकें और उत्पाद की शुद्धता को बनाए रख सकें। इस कोऑपरेटिव के माध्यम से न सिर्फ बुनकरों को निरंतर आय होती है बल्कि कोऑपरेटिव के होने वाले मुनाफे में भी बुनकर साझेदार होते हैं। भागलपुर में सेवा दिल्ली की तर्ज पर महिला हाट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां महिला वेंडर्स को जगह मिल सके और वो निडर सर उठाकर अपना बाजार लगा सके। सेवा भागलपुर हमारे नगर निगम के साथ मिलकर एक महिला हाट की भी व्यवस्था की है, जिसमें हमारी बहनों वहाँ बैठकर अपना रोजगार कर सके, ताकि उनको अन्य जगह बैठने पर पैसा लगता है वो पैसा नहीं लगे और निश्चित जगह पर बैठकर अपना रोजगार कर सके। सेवा भागलपुर जहाँ भी श्रमिक बहनों के हितों के लिए काम करती है, वहाँ अपने दूसरे कार्यक्रम संकलित प्रयास भी करती है, जैसे जीवन सुरक्षा संबंधी बीमा, जिसके तहत लगभग 60 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए सरकारी अस्पतालों से गरीबों को जोड़ना सेवा भागलपुर की प्राथमिकता है। समय समय पर भागलपुर में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम हमेशा ही गरीब श्रमिक परिवारों के लिए लाभकारी रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य का काम सबसे पहले हम लोग जागरूकता से करते हैं, अवेयरनेस से करते हैं। अवेयरनेस के माध्यम से बहनों को बिठाकर उनको हम सैनिटेशन यानी साफ सफाई के बारे में सारी जानकारी देते हैं। साफ सफाई में सबसे पहले उनके गली मोहल्ले और समाज की सफाई के बारे में बताते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल कर उनकी बीमारी आती है, जिसको हम रेफरल के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उनमें खासकर एक बीमारी है अभी बहनों में, जिसे लिकोरिया कहते हैं, धात की बीमारी। उस बीमारी के लिए हम सर्वाइकल पेप टेस्ट कैंप करवाते हैं, और कैंप में यदि बहने को ज़्यादा प्रॉब्लम निकल कर आता है, किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो उसका ऑपरेशन
मेडिकल कॉलेज में हम लोग फ्री में करवाते। अपने स्वास्थ्य पर बहनें बहुत कम ध्यान देती हैं। यदि उनके पति और बच्चे बीमार हो जाते हैं तो वो परेशान हो जाती हैं कि कितने अच्छे डॉक्टर से जल्दी हमारे बच्चे और पति को हम ठीक करवा दें, लेकिन अपनी बीमारी को बस वो अपने अंदर बर्दाश्त करके ही पड़ी रहती हैं। लेकिन सेवा से जुड़ने के बाद जब उनको पता चला कि नहीं, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तो अपने पति और बच्चे को कैसे देख सकेंगे, तब वो उन थोड़ी जागरूकता आई है और वो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही हैं, खान पान के माध्यम से भी ध्यान दे रही हैं, साफ सफाई के माध्यम से ध्यान दे रही हैं और फिर जरूरत पड़ने पे डॉक्टर के पास भी जाने के लिए तैयार है। भागलपुर शहर में 9000 बहनों से हमारा संपर्क हुआ है और वो स्वास्थ्य के माध्यम से अवेयर हुई हैं और वो जागरूक हुई हैं कि अब हम अपने शरीर को अच्छे से अच्छे तरीके से स्वस्थ रखने की कोशिश करें। श्रमिक बहनें न सिर्फ काम करें बल्कि अपनी होने वाली आय का कुछ अंश बचत कार्यक्रमों में जमा कर अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनाएं, जिसके लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए। बहनें समूह में अपनी मासिक बचत कर अपना पैसा जमा कराती हैं और वक्त बेवक्त जरूरत पड़ने पर समूह से 2% पर कर्ज भी ले सकती हैं। यह समूह खोले हैं, इससे हम लोग बचत करते हैं। या फाइल का हिसाब उसाब रखना, समय देना, किस समय में जमा करना पड़ेगा, वह समय से बैठते हैं, सभी बहन को बुलाते हैं, बैठक में सभी बहन का हिसाब लेते हैं। जो बचत होता है बैंक में जाता है पैसा, कोई बहन लेना चाहता है तो फिर बैंक से निकालना पड़ता है। 50 रुपया महीना हम लोग खोले, 1.5 साल तक हुआ, 3 साल का हम लोग खोले हैं। मेरे ग्रुप में 14 महिलाएं हैं, हम लोग ग्रुप में जुटे हैं तो इतना हिम्मत हो गया कि हम लोग के पास कुछ पैसा हो गया कि हम लोग कुछ मिल के कुछ खोल सकते हैं, 2 पैसा अपना मेहनत से कमा सकते हैं, इतना हिम्मत हो गया। सेवा भागलपुर में श्रमिक बहनें अभी तक 138 स्वयं सहायता समूह में लगभग 16 लाख रुपया जमा कर चुकी हैं, जिसमें 25 लाख रुपए लोन दिया जा चुका है। लोन पर दी जाने वाली ब्याज की राशि समूह की बहनों के बीच बराबर वितरित कर दी जाती है। भागलपुर में सेवा बिहार की इस इकाई ने श्रमिक महिलाओं को अपने हितों के प्रति जागरूक करने के साथ रेशम हथकरघा उद्योग को भी गति दी है। सेवा भागलपुर प्रगति के पथ पर अपने सदस्य श्रमिक बहनों के साथ नई संभावनाओं और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अग्रसर है।